हेलो नमस्कार, ब्रह्माचार्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अब अतिथि शिक्षकों को रेगुलर करने के आदेश जारी कर दिए गए। इसमें सरकार ने आदेश जारी किया है कि अस्थायी कर्मचारी जो है ना मध्य प्रदेश के कोई भी हटाए नहीं जाएंगे। इसमें अतिथि शिक्षक है, अतिथि विद्वान है और आउटसोर्स कर्मचारी, इन किसी को भी हटाने के आदेश जारी नहीं किए गए। इसमें बोला गया 2026 तक किसी भी अस्थायी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। इनकी विभागीय परीक्षा होगी जिसमें 300 अंक होंगे। 300 में से आपको 150 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा और ST SC वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी रहेगा। ठीक है प्रश्न, लेकिन 2026 तक किसी भी अस्थायी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट बोला है कि अस्थायी कर्मचारी जैसी कोई नीति नहीं है, इनको स्थायी किया जाए। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। ऐसे में बोला गया मध्य प्रदेश में नहीं हटाए जाएंगे अस्थायी कर्मचारी, इनको रेगुलर करने के आदेश जारी किए गए। 7 सितंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें मध्य प्रदेश के लाखों अस्थायी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के काम करते रहने को लेकर आदेश जारी किया गया। वहीं नियमितीकरण को लेकर भी जानकारी दी गई। तो नियमितीकरण किस आधार पर होगा, इसकी भी जानकारी सरकार ने दी है। किस आधार पर अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, इसमें बोला गया वही नियमितीकरण को लेकर जानकारी दी गई है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक अस्थायी कर्मचारियों के पदों पर बनाए रखने के आदेश जारी किए गए। इसका मतलब है 31 मार्च 2026 तक कर्मचारी काम करते रहेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक अस्थायी कर्मचारी अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। लाखों कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में। बता दें कि विभिन्न विभागों में पदों पर भर्ती नहीं हुए, इन विभागों में अस्थायी कर्मचारियों को मदद ली जा रही। इस समय मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी अस्थायी के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा है, अतिथि शिक्षक है, अतिथि विद्वान है। ठीक, आउटसोर्स कर्मचारी संविदा है वो अतिथि शिक्षक है, अतिथि विद्वान है। कॉलेज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी शामिल है। ये कर्मचारी वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और नियमितीकरण करने की भी मांग कर रहे हैं। ठीक, इसमें अतिथि शिक्षक है और संविदा कर्मचारी भी हैं और अतिथि विद्वान वर्षों से अपनी स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं। ये आदेश हुआ है जारी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि राज्य शासन के अधीन अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में समय समय पर आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने विचारों के बाद निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक अस्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारी काम करते रहेंगे। ठीक है, 2025-26 तक कार्य करते रहेंगे अतिथि शिक्षक, इनको हटाया नहीं जाएगा काम से किसी भी प्रकार का। इस तरह नियमित होंगे कर्मचारी, नियमित किया जाएगा। इसमें बोला गया मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्य कर विभाग के नियम जारी किए गए। नियमों के मुताबिक अस्थायी कर्मचारियों को 300 नंबर का पेपर देना होगा। ठीक है, 300 नंबर का पेपर देना होगा और 3 घंटे का समय होगा उनके पास में। पेपर में कर्मचारियों को कम से कम 150 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, 300 नंबर का पेपर देना होगा, 3 घंटे का समय रहेगा, 150 अंक प्राप्त करने होंगे। इसके आधार पर आप नियमित किए जाओगे। नियमितीकरण में वरिष्ठता को आधार नहीं माना जाएगा। इसमें बोला गया 150 नंबर लाने वाले कर्मचारियों को ही नियमित किया जाएगा। जो 150 अंक लाते हैं उनको नियमित किया जाएगा। ST SC वर्ग के कर्मचारियों को 10% की छूट दी जाएगी। उनके लिए पासिंग मार्क 50 की जगह 40% रहेगा इसके अलावा सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 20% पद आरक्षित रहेंगे। बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसमें बताया था कि नियमितीकरण नियुक्ति में लगभग 50% आरक्षण संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। अवधि से अधिक काम कोई आधार नहीं है। ठीक है, इसमें हाईकोर्ट ने बोला है कि अवधि से अधिक कार्य का आधार कोई नियम नहीं है। हाईकोर्ट संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अनुबंध विस्तार के आधार पर अस्थायी रोजगार की मांग नहीं की जा सकती है एवं संविदा कर्मचारी सिर्फ इसलिए नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते कि
उनमें उनकी रोजगार अवधि के आधार पर काम किया है, उसे अस्थायी कर्मचारी बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कर्मचारी बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता है, सरकार को उनको स्थायी किया जाए, हाई कोर्ट ने भी कहा है। और इसमें अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, 2026 तक इनको रखा जाएगा जब तक इनका नियमितीकरण नहीं।